है ना, अगर कोई किसी को इलीगल रूप से डिटेन कर लेता है, मतलब अपहरण कर लेता है, कब्जे में रख लेता है, तो इस केवल बोल के चल देता हूँ ना, बोल के समझ लो, समझ जाओगे, क्योंकि इसका डिटेल है, मौलिक अधिकार में है। देखो, चाहे पुलिस थाना हो, चाहे आपके पापा हो, चाहे आपकी बाई हो, कोई आपको इलीगल तरीके से आपको कैद कर कर नहीं रख सकता। ठीक, पुलिस थाना भी, वो भी नियम के विरुद्ध ही आपको डिटेन कर सकता है, इलीगल तरीके से वो भी नहीं कर सकता। ठीक, तो अब क्या हुआ, समारू मरकाम के भाई टेटकी, समारू समारू मरकाम बाबर ओला, मतलब दारू वारू पी के मारत रहीस। एक दिन टेटकी को गुस्सा आ गया, समारू मरकाम को धोई पलट के और उसको बिस्तर में बांध दी, है ना, बेड में बांध दी रस्सी से, मर रोगा। जरूर बोली होगी, अब मारपीट मार रही है तो जरूर बोलोगे, रोगा भड़वा बोली होगी उसको, जो भी, उसको बिस्तर में बांध दी और उसको अब कमरे में बंद कर दी। बोली, बस एक रोटी समय समय पर तेरे को एक रोटी दे दूंगी, जिंदा रहे तू, और पानी दे दे पीने के लिए, बस। समारू मरकाम चीखता रहे, चिल्लाता रहे, क्योंकि रोज दारू पीने का आदि, दारू दारू भी नहीं मिल रहा है, ऊपर से कैद है, वहीं गीला सूखा सब हो रहा है। तो अचानक समारू मरकाम की एक्स वहां से गुजर रही थी, वो उसका चीख सुन के खिड़की के पास गई, देखी, अरे मेरा एक्स सोना जो है कैद है, गुहार गुहार लगाया, सुनना नोनी, रेचकी, उसका नाम रेचकी था, रेचकी मोला बचा ले। तो ये दोनों किसी जमाने में ऐसे ही हल्का फुल्का तैयारी शुरू किए थे, तो ये बात सुने थे कहीं। वो बोला, देख सुन, तेज तेज सीधे सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट घलो जा सकतास, लेकिन ज़्यादा वजन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी, है ना, कोई भी केस फाइल कर सकता, कोई भी, केवल संबंधित व्यक्ति नहीं, कोई भी केस, उसका बाबू, सोना, पति, हस्बैंड, माता, पिता, कोई भी केस फाइल कर दिया कि भैया फलाना व्यक्ति को फलाने के बाई ने कैद करके रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया, अब सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस का दस्ता भेजा, जांच करवाया कि वास्तव में क्या समारू मरकाम का मौलिक अधिकार छीना गया जबरदस्ती, क्या किसी ने उसे कैद करके रखा है। जांच में पुष्टि हो गई कि टेटकी ने समारू मरकाम को जबरदस्ती कैद करके रखा है। अब ये उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, हनन है, और सर्वोच्च न्यायालय आपके मौलिक अधिकार का गारंटर है। सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी थी कि समारू मरकाम का वो मौलिक अधिकार उसे वापस लागू करवाया जाए, तुरंत एक रिट जारी करेगी। कौन सा रिट? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये एक आदेश होगा, और इस आदेश में क्या कहा जाएगा, 24 घंटे के भीतर समारू मरकाम को न्यायालय में प्रस्तुत करो, हमारे समक्ष प्रस्तुत करो, सशरीर प्रस्तुत करो, शरीर और आत्मा जुदा जुदा नहीं होनी चाहिए, शरीर के साथ आत्मा होनी चाहिए, अगर आत्मा नदारद है तो फिर मर्डर का केस चलेगा तेरे ऊपर ना। तो उपस्थित किया, और इस प्रकार से समारू मरकाम के आदेश, मतलब समारू मरकाम के मौलिक अधिकार का रक्षण हो गया। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण।